तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले क्वेश्चन को देखो। तो इसमें बेसिकली ये कहते हैं भी कम्युनिकेशन का एक अच्छा सा बहुत फेमस फार्मूला है, उसी पे बेस है, द हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटीना। तो चलो मान लेते हैं यहाँ पर जो है वो ट्रांसमिटिंग एंटीना है, तो ये सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, ठीक है ना। यहाँ पर ट्रांसमिटिंग एंटीना है और ये सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, और यहाँ पर एक लगा हुआ है रिसीविंग एंटीना, तो ये सिग्नल को रिसीव करता है, ठीक है, इस टाइप से सिग्नल को रिसीव करता है। तो कहाँ से रिफ्लेक्ट करता है, ये सिग्नल भेजा, ट्रांसमिट किया स्काई में, और ये यहाँ से मान लो रिसीव किया। तो ये जो ये अर्थ का सेंटर हुआ, आई होप कि आप फार्मूला आपको आता होगा, ये रेडियस है और ये इनके बीच का डिस्टेंस है डी। तो ये मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट है, या द मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट जो होता है वो यही वाला डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो ये वाला डिस्टेंस डी है, तो डी का डायरेक्ट हमारे पास फार्मूला है, ये हाइट ऑफ इसका हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना एस टी है, और ये वाला जो हाइट है इस एंटीना की जो हाइट है, ये वाली हाइट, ये हाइट अपना एच आर है रिसीविंग एंटीना। तो जो मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट है उसका जो फार्मूला है वो टू आर एच टी अंडर रूट प्लस टू आर एच रिसीविंग एंटीना अंडर रूट ये। तो ये आपको फार्मूला है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। अगर नहीं आता है तो इसको याद कर लो तुम, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा फार्मूला। अब इसमें एच टी और एच आर आपस में बराबर है, उसको मैं एच बोल देता हूँ, तो कोई दिक्कत और कोई परेशानी वाली बात नहीं है, और ये सब 80 मीटर के इक्वल है। तो अगर ये सारे बराबर है तो यहाँ से तुम देखोगे, तो यहाँ से तुम देखोगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा टू अंडर रूट टू आर एच अंडर रूट ये बन जाएगा भाई। तो ये टू टाइम्स और ये अंडर रूट सारी वैल्यू रखोगे तो टू, अब दोनों बराबर हैं यहाँ से टू, तो रेडियस ऑफ अर्थ 6000 6.4 इंटू 10^6 लेना है, ऊपर दिया हुआ है, ठीक है, और हाइट जो है 80 मीटर लेना है, तो ये सोल्यूशन बनेगा। तो यहाँ से देखो ये टू इधर बाहर आ गया, और ये यहाँ से ये इस एट को इस पॉइंट से ये पॉइंट ख़त्म हो गया, और 8 × 8 = 64, तो 8 यहाँ से बाहर आ गया इससे, और यह 4 और 4 × यहाँ से 4 और 4 × 4 बाहर आ गया, क्योंकि 8 यहाँ से, तो और ये 10^3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारा जब कैलकुलेट करोगे तो 10^3 इतना मीटर आएगा, तो 8 और यह आ जाएगा 64 × 10^3 मीटर, और यह इसको मैं किलोमीटर में कन्वर्ट करूँ तो 64 किलोमीटर इसका सोल्यूशन होगा। तो 64 ये इनके बीच का ये वाला डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 64। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।